हाँ तो 9 क्वेश्चन हो गए। 9 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताए हैं वो आपके अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे शायद। यस हाँ सर। यस सर। अब ये सारे क्वेश्चन हैं तो दूसरे चैप्टर के क्वेश्चन हैं जो मानव तंत्र चैप्टर उसमें से हैं। और ये चैप्टर जो 6 नंबर का, एक क्वेश्चन से 5 का आएगा, एक क्वेश्चन है जो 5 नंबर का आता है और एक क्वेश्चन है 1 नंबर का आता है, उनके चल रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन चलते जाएंगे और मैं आपको बता रहा हूँ। अब जो 10वां क्वेश्चन है वो है कार्पस केलोसम क्या है। मैंने पढ़ाया था, आपको बताया था कार्पस केलोसम क्या चीज है। ये जो तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं इसमें एक नाम आया था, पर मस्तिष्क नाम आया था ना। पर मस्तिष्क सर के 2 भाग होते हैं, पर मस्तिष्क गोलार्ध होते हैं, दायां गोलार्ध और बायां गोलार्ध। बायां इस दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाली एक पट्टी है, उन्हें क्या कहते हैं, कार्पस केलोसम गोलार्ध कहते हैं। तो कार्पस केलोसम क्या चीज है, दोनों गोलार्धों को जोड़ने वाली एक पट्टी है जिन्हें कार्पस केलोसम कहते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, मध्य मस्तिष्क के पिंडों को क्या कहा जाता है। हमने पढ़ा था कि जो मस्तिष्क के जो 3 भाग होते हैं, अगर मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, ये हमने पढ़ा था। तो मध्य मस्तिष्क उसमें 4 पिंड होते हैं, 2 ऊपर पिंड होते हैं, 2 नीचे पिंड होते हैं, उनको हम कहते हैं जो कॉर्पोरा क्वांड्री जेमिन कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, कॉर्पोरा क्वांड्री जेमिन कहते हैं। तो मध्य मस्तिष्क के 4 पिंडों को नाम है कॉर्पोरा क्वांड्री जेमिन कहते हैं। अब जो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, प्रतिरक्षी किससे बनी होती है। हमने देखा था कि जब कोई शरीर में एंटीजन प्रवेश करता है तो हमारे शरीर की जो बी लिम्फोसाइट है वो सक्रिय हो जाती है और एक वही आकार की प्रोटीन से निर्मित सेना का कार्य करती है जो प्रतिजन को मारती है, और इसे क्या कहते हैं, प्रतिरक्षी कहते हैं। और ये बोला कि प्रतिरक्षी किससे बनी होती है, तो प्रतिरक्षी आप 2 तरह के उत्तर दे सकते हो यहाँ से। यहाँ तो आप बोल दो कि ये गामा ग्लोबुलिन प्रोटीन से बनी होती है। किससे बनी होती है, गामा गामा ग्लोबुलिन ग्लोबुलिन प्रोटीन से प्रोटीन बोल से। सकते हो, या फिर आप ये कह देना कि ये अंग्रेजी के वही आकार की होती है। इसमें 2 श्रृंखला होती है, एक भारी श्रृंखला एक हल्की श्रृंखला। भारी श्रृंखला में 440 एमिनो अम्ल होते हैं और हल्की श्रृंखला में कितने एमिनो होते हैं, 220 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। तो समझाया यहाँ पर, तो आप कह सकते हो कि इसमें जो गामा ग्लोबुलिन है उससे ये प्रतिरक्षी बनी हुई होती है। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे महत्वपूर्ण आरएच कारक कौन सा है। तो मैं थोड़ा सा बता दूं आरएच कारक के बारे में पहले, फिर उसका उत्तर बताता हूँ आपको मैं। आरएच कारक है जो सबसे पहले मकाका रिसिस नामक बंदर में खोजा गया था। किस में खोजा गया था, मकाका रिसिस मकाका नामक बंदर रिसीस में खोजा गया था। और ये 417 एमिनो अम्ल की एक प्रोटीन है। प्रोटीन इसमें एमिनो अम्ल संख्या कितनी है, 417 चार एमिनो अम्ल है। और ये आरएच कारक है वो मानव की आरबीसी में पाया जाता है। ये मानव की मानव की आरबीसी पाया आरबीसी जाता है। ये 5 प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार पांच का होता प्रकार है। जैसे आर एच डी, आर एच छोटा डी, नहीं आर एच छोटा डी नहीं होता, आर एच डी, आर एच सी, आर एच छोटा सी, आर एच बड़ा ई, आर एच छोटा ई। तो इसमें ये पूछा है कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा माना जाता है, वो माना जाता है आर एच डी माना जाता है। कौन सा माना जाता है, आर एच डी। तो क्वेश्चन के अनुसार से सबसे महत्वपूर्ण आरएच कारक कौन सा है, आर एच डी माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कौन सा आरएच कारक है जो सर्वाधिक प्रतिरक्षा जनी है, वो गया आर एच डी ही डी माना जाएगा। रक्तदान क्या चीज है, अगला क्वेश्चन आ गया कि रक्तदान क्या क्या चीज है। ये चाहिए। चौथे चैप्टर के क्वेश्चन चल रहे हैं। रक्तदान यानी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति को रक्त दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, रक्तदान कहते हैं। ये रक्तदान तो होगा समझने वाली बात। तो अब इसकी परिभाषा क्या लिखनी है, ये लिखनी आनी है कि किसी एक व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र से, किसी एक एक व्यक्ति व्यक्ति के के परिसंचरण परिसंचरण तंत्र तंत्र से किसी दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों को स्थानांतरित करना। समझो बात को, एक व्यक्ति से किसी दूसरे व्यक्ति के परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों को स्थानांतरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, रक्तदान रक्तदान कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 15, रुधिर वर्ग को नियंत्रण करने वाली विकल्पियों को नाम लिखो। जैसे आपने मेंडल मटर का पौधा उसे पढ़ा था, तो इसी प्रकार जो रुधिर वर्ग को है वो 3 प्रकार की एलील है वो नियंत्रण करती है। आई ए ऊपर ए लगाना है, आई लगा के ऊपर ए लगाना है, आई बी ऊपर बी लगाना है, तथा छोटा आई जो सेकंड एबीसीड होती है उसमें छोटा आई हो गया नहीं हो गया। तो आई ए, आई बी और छोटा आई, छोटा ये आई 3 प्रकार की युग्म विकल्पी है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। रुधिर वर्ग की अनुवांशिकता के 2 अनुप्रयोग लिखो। क्वेश्चन ने क्या कहा है, रुधिर वर्ग की अनुवांशिकता के 2 अनुप्रयोग लिखना है, यानी इसका उपयोग लिखना है। पहला उपयोग हो जाएगा हीमोफीलिया के रोग में, पहला क्या हो जाएगा, हीमोफीलिया हीमोफीलिया के के रोग रोग में। में। दूसरा हो जाएगा
पैतृक विवाद में इसका उपयोग किया जा सकता है। तो दो उपयोग मैंने आपके सामने रख दिया है, हीमोफीलिया के रोग में और पैतृक विवाद में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं, मास्ट कोशिका पर पाए जाने वाली, और इसमें दो क्वेश्चन है, मास्ट कोशिका पर पाए जाने वाली एंटीबॉडी का नाम पूछा है। तो यहाँ पर जो एंटीबॉडी होती है वो होती है आईजीई होती है। मास्ट कोशिका कौन सी होती है? आईजीई। तो यहाँ पर मास्ट कोशिका की जगह वो एलर्जी नाम दे सकता है, तो एलर्जी में कौन सी होती है? आईजीई होती है। इसी प्रकार प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण में जाने वाली एंटीबॉडी वो होती है आईजीए होती है। वो क्या होती है? आईजीए होती है। प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण में जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgA एंटीबॉडी होती है। तो उसमें सबसे पहले रक्तदान किसने संपादित किया था? सबसे पहले रक्तदान किसने संपादित किया था? डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट ने किया था। तो यहाँ पर जो ऊपर क्वेश्चन आया था ना, प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण में जाने वाली एंटीबॉडी, ये सॉरी गलत हो गया, ये IgA नहीं है, ये क्या होती है? IgM होती है। वो कौन सी होती है? IgM। यहाँ से ये थोड़ा सेट करना, IgM यानी जो माता का दूध होता है ना उसमें IgA एंटीबॉडी पाई जाती है। तो आपको वहां क्या करना पड़ेगा? प्लेसेंटा को पार कर भ्रूण में जाने वाली एंटीबॉडी कौन सी होती है? IgM होती है। समझ में आ गई बात ये? तो इसी प्रकार सबसे पहले रक्तदान किसने संपादित किया? 18वें क्वेश्चन का उत्तर है डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट ने किया था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19 है, एंटीआरएचडी क्या है? एंटीआरएचडी, देखो ये क्वेश्चन है जो आपको पता है कि एंटीआरएचडी है, ये गर्भ रक्ताणु कोरकता के उपचार में दिया जाता है। इसके उपचार में दिया जाता है गर्भ रक्ताणु कोरकता के उपचार में। तो इसका मैं उत्तर दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। गर्भ रक्ताणु कोरकता के उपचार में 24 घंटे के अंतराल या 24 घंटे के भीतर, अंतराल नहीं, 24 घंटे के भीतर दिए जाने वाला टीका क्या कहलाता है? एंटी आरएचडी कहलाता है। यानी 24 घंटे के भीतर गर्भ रक्ताणु कोरकता के उपचार के लिए पहले परसों में 24 घंटे के भीतर भीतर दिए जाने वाला टीका क्या कहलाता है? एंटी आरएचडी कहलाता है। और इसे रोहगम प्रतिरक्षा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोहगम प्रतिरक्षा भी कहा जाता है। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि रोहगम प्रतिरक्षा क्या कारण क्या होता है? तो आप उत्तर ये लिख सकते हो कि गर्भ रक्ताणु कोरकता के उपचार हेतु 24 घंटों के भीतर दिए जाने वाला टीका क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रोहगम प्रतिरक्षा कहलाती है। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका यहाँ से। तो अब मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ यहाँ पर, तो कि सबसे जो गर्भ रक्ताणु कोरकता का क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 20, गर्भ रक्ताणु कोरकता का क्या कारण है? गर्भ रक्ताणु कोरकता का कारण माना जाता है आरचकार की असंगता। क्या माना जाता है? आरचकार की असंगता। इसी प्रकार एल्केन एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र पूछा है। यहाँ पर एल्केन का जो सूत्र होता है वो होता है CnH2n+2। इसी प्रकार एल्कीन श्रेणी का जो सामान्य सूत्र होता है वो होता है CnH2n। क्वेश्चन नंबर, आरचकार क्या है, इसकी खोज किसमें की थी? जो मैंने आपको बता दिया कि आरचकार क्या था, ये मकाका रिसीज बंदर में खोजा गया था। और इसकी खोज पूछा है कि मकाका रिसीज बंदर में खोजा गया है। तो ये 417 एमिनो अम्ल की एक प्रोटीन होती है। 417 एमिल एक क्या होती है? प्रोटीन मानी जाती है यहाँ पर। तो इसी प्रकार किन्हीं दो मनुष्य के रुधिर का जीन प्रारूप IAIB है, IOIO है, तो इसका रुधिर वर्ग क्या होगा? तो पहले का IAIB है तो ये AB हो जाएगा, इसी प्रकार IOIO तो इसका O हो जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन, निष्क्रिय प्रतिरक्षा के दो उदाहरण लिखो। किसके? निष्क्रिय प्रतिरक्षा के दो उदाहरण लिखना है। इसमें टिटनस का टीका और डिप्थीरिया का टीका होता है। ड्रेकुनकुलस जो कृमि होता है उससे होने वाले रोग का जो कौन सा होता है, वो रोग का नाम लिखना होता है, नारू रोग होता है। वो कौन सा होता है? नारू रोग होता है। गैंगा या गलगन रोग का क्या कारण है? ये थायराइड ग्रंथि कम सक्रिय होती है तब होता है। तो गैंगा या गलगन रोग आप कह सकते हो कि भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया मंद बढ़ जाती है, जिससे थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। इसे क्या कहते हैं? गलगन या गैंगा रोग कहा जाता है। यानी थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होने वाला रोग क्या होता है? गलगन रोग कहलाता है।
अधिक मदिरा के सेवन से होने वाला रोग क्या है? अगर अधिक मदिरा, मदिरा को शराब को कहते हैं, यानी अगर अधिक शराब पी जाती है, अधिक मदिरा का सेवन किया जाता है, जो हमारा यकृत है वो बड़ा हो जाता है, फूल जाता है, सूजन जाता है, इसे कहते हैं वस्य यकृत रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वस्य यकृत रोग कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अधिक मदिरा के सेवन से होने वाला रोग का क्या नाम है? वस्य यकृत रोग। इस प्रकार मैंने 10 से 27 क्वेश्चन तक आपके सामने ये डिस्कस किया है। आप इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखें, सुने और आराम से देखें, हर क्वेश्चन का जवाब सुने और अपने दिमाग में सेट करें। बेस्ट ऑफ लक।